ইন্ডিয়া হিন্দু কান্ট্রি, ওরা হচ্ছে আমাদেরকে অলওয়েজ ডমিনেট করতেই পছন্দ করে, আর আমরা যেহেতু একটা মুসলিম কান্ট্রি সেই হিসেবে আমার কাছে পাকিস্তানকে বেটার। অ্যাজ এ মুসলিম কান্ট্রি সেহেতু আমি পাকিস্তানকে প্রেফার করব। একটা ম্যাচ হারলে কখনো একটা টিম হেরে যায় না, নেক্সটটা দেখা হবে কি হবে। अरे हमारे ऊपर भारी पड़ेगा, हमको ट्रोल मीम्स हमको देखना पड़ता है। जो इंडियन 130 करोड़ लोग है हमको ट्रोल करता है, चूतिया साला उन लोगों को तो नहीं ट्रोल करता है। नमस्कार दोस्तों, दोस्तों पाकिस्तान के बेटे बांग्लादेश को भारत ने बुरी तरीके से फेल दिया है। बांग्लादेश अपने पिताजी की ही तरह रोने धोने लगा है, टीवियां वगैरह फोड़ने लगा है। दोस्तों आपको याद होगा 2018 में बांग्लादेश किस तरीके से नागिन डांस कर रहे थे, भारत को चेतावनी दे रहे थे, भारत के जितने भी खिलाड़ी से उनसे झगड़ा वगैरह कर रहे थे पाकिस्तान को लेकर। मगर दोस्तों तब भी इन्होंने मार खाई थी और आज भी इन्होंने मार खाई है। तो आज इनके रिएक्शन देखने लायक हैं, क्योंकि दोस्तों कोई तो लूटपीट कर रहा है, कोई अपना सर फोड़ रहा है, कोई दोस्तों टीवियां फोड़ रहा है, कोई अपनी ही टीम को गालियां दे रहा है। तो चलिए दोस्तों बांग्लादेश के आनंद लेते हैं अमल दे वीडियो के बाद। अरे हमारे ऊपर भारी पड़ेगा, हमको ट्रोल मीम्स हमको देखना पड़ता है। जो इंडियन 130 करोड़ लोग है हमको ट्रोल करता है। Now we are very frustrated and we are speechless. একটা ম্যাচ হারলে কখনো একটা টিম হেরে যায় না, নেক্সটটা দেখা হবে কি হবে। ও বা কি করলো বা, ছত্রিশটা বছর হবে কেন বা, ও মেসি রে, ও মেসি। আমার জীবনে পুরো লস ভাই, পুরো লস। আজকে সবাই ফ্রম যা আছে সবই লস। कोई चूतिया साला उन लोगों को तो नहीं ट्रोल करता है, आते किसके ऊपर, बांग्लादेश के ऊपर। हम আর কত इन्होंने कहा है इनको बहुत तकलीफ हुआ बांग्लादेश का अचानक से ऐसा। ओपनिंग में हमारा कोई ऐसा एक्सपीरियंस प्लेयर है नहीं, कोई एक तो प्लेयर होना चाहिए था जो स्टार्ट अच्छा करे। कोई स्टार्टिंग अच्छा नहीं होगा तो गेम कैसे आगे बढ़ेगा। स्टार्टिंग में दो चार विकेट गिर रही है, ऐसा तो हो नहीं सकता। और टीम का जो मोटिवेशन था वो वर्ल्ड कप आने के दो दिन पहले एक हादसा हुआ था तामिम शाकिब इशू का, जिसमें तामिम को स्क्वाड से निकाल दिया था, इसमें शाकिब का हाथ था। उन्होंने पसंद नहीं करते, नहीं आने देंगे,
वो खेलेगा शाकिब बोला भाई मैं खेलूंगा नहीं तो तामिम, इसी इशू में तो शाकिब को पहले खेलने देगा, वो वर्ल्ड ऑलराउंडर है। सीनियर प्लेयर्स की लड़ाई ही टीम को महंगी पड़ी है या कॉम्बिनेशन भी अच्छा नहीं? कॉम्बिनेशन बहुत सही था, जो यंगस्टर और ए ओल्डर ऐसा कुछ नहीं होता है क्रिकेट में, जो अच्छा खेलता है उसको मौका मिला, प्लेयर अच्छा है, लेकिन इशू हो गया कि टीम के अंदर मोटिवेशन नहीं है, जो मोटिवेशन होना चाहिए था, क्योंकि एक दो दिन पहले एक हादसा हुआ जिसके बारे में टीम के अंदर ही थोड़ा पार्टीशन हो गए, इसके लिए तो मोटिवेशन डाउन हो गया प्लेयर का, और सब मेंटली फ्रेश होना चाहिए तब ना फोकस आएगा बैटिंग पे, बॉलिंग पे, फील्डिंग पे, जब आपका मेंटली आप स्ट्रांग नहीं होंगे तो आपको ऐसे वो मे बी साकिब इज वन ऑफ द ऑलराउंडर एंड नंबर वन प्लेयर, बट दिस इज द क्रिकेट गेम, दे हैव टू नीड 11 प्लेयर हैव टू प्ले इन दिस गेम, सो साकिब इज नॉट ओनली वन प्लेयर इन दिस टीम, सो नीड 11 प्लेयर मस्ट बी प्लेड डन दिस वेल, देन दे विल बी मैच, दे विल डन दिस मैच, ओके, सो वी आर वेरी व्हेन वी come in Bangla, India, that time we have lot of excitement, expectation, but today fully fully ups and down, fully ups and down, so I don't know why this you are literally crying, I can feel it because if we expect anything from the team and after that it doesn't happen and it's a repetition of mistakes by the players, mujhe samajh mein aa raha hai aapka emotion ki aap और क्या मतलब अब तो मैनेजमेंट को आप लोग से क्या संदेश मिलेगा, कुछ आप लोग संदेश देना चाहते हैं बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को कि अब तो भाई जाना चाहिए ऊपर खेलना चाहिए? यस, व्हेन वी इन इंडिया दैट टाइम वी कैन थिंक दैट मे बी 1-4 टीम क्वालिफाइड एंड मस्ट बी वी वांट टू प्ले सेमीफाइनल, बट राइट नाउ आई थिंक वी आर नंबर 10 इन आवर टीम। आपके हाथ में जरा दिखाइए हमें, so it is written here that Tamim we will never forget you, so ये तो पता चल रहा है कि तामिम इकबाल की ना रहना उसके बाद से बड़ी कंट्रोवर्सी मची थी और यहाँ पे जो है बहुत सारे अपसेट है, कोई कोई रो रहा है, वी इन विच लैंग्वेज यू आर कंफर्टेबल, आपको हिंदी बोलना आता है और यू विल स्पीक इन इंग्लिश? ओके ओके, सो द loss against Netherlands, how will you define this? Because it's lower in ranking than Bangladesh. It's a totally downfall. Actually, we are practicing the downfall and we are struggling from the beginning of the World Cup. First match we have won the game, but and then again we have loses a lots of game and repeatedly we have lost actually 4 games. So actually we have to change the we have to fix the problem first, then we have to come back strongly. Otherwise, what is the problem? Means I don't know, you guys watch the match in every corner of the world and you must recognize the problem of the team. What is the problem? Is the problem is the coach, the problem is the captain Shakib Al Hasan, is the problem is the management of the board? Actually, the main problem is the captain and coach both. Message to your cricket board also. But there is no way to directly communicate with cricket board. So what we can do that we can post some into social media that actually we have to change the board as well as the coach and both board president also. And actually we have to fix the batting order as well. So actually that is the main problem of our team. That our coaches and captain they are not suitable for our team, and Tamim was the best option for us, so we are missing Tamim a lot, but I think that after that one, your board is saying that Shakib Al Hasan is the main player of the team and I don't think so, he is struggling whole the World Cup, so Shakib is not the actually key player of our Bangladesh team, there are many performers like Mahmudullah Riyad per se, and we have some amazing bowler Taskeen.
टी20 वर्ल्ड कप जीतने से कोई नहीं रोक सकता। पाकिस्तान के लोग चाहे दुआ करें कि भारत मैच हार जाए, बांग्लादेश के भी लोग दुआ करें, क्योंकि बांग्लादेश के लोग तो दोस्तों हमेशा पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं। जैसा कि दोस्तों कुछ बांग्लादेशियों ने कहा भी था कि इंडिया जो है हिंदू कंट्री है और पाकिस्तान है जो मुस्लिम कंट्री है, इसलिए हम सपोर्ट करते हैं। और दोस्तों कहीं ना कहीं देखा जाए तो पाकिस्तान की तरफ बांग्लादेश का झुकाव ज्यादा है, इसीलिए तो दोस्तों जब इंडिया से मुकाबला होता है तो वो भी हाइपर हो जाते हैं और भारत के लोगों से झगड़ा वगैरह करने लग जाते हैं कि हम जीतेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, मगर बांग्लादेश के हमेशा मार खाते हैं। क्योंकि दोस्तों आखिरकार जो बाप होता है वो बाप ही होता है, या बांग्लादेश हो या पाकिस्तान हो, ये भारत के बच्चे हैं और ये हमेशा बच्चे ही रहेंगे। चलिए दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो काफी ज्यादा पसंद आया होगा। पाकिस्तानियों की तरह ही बांग्लादेशियों का रोना धोना आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें।